हम एक ही बार 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 रिपीट कर रहे होते हैं फैमिली को, तो व्हाट डू यू थिंक? अच्छा, तो ये जो सारे इमोशंस आप फील कर रहे होते हैं, आपके थॉट प्रोसेसेस होते हैं, आप फियर, हैप्पीनेस, सैडनेस, इरिटेशन, ये आपके जो पूरी बॉडी का मैकेनिज्म है, ये कौन चलाता है? व्हाट डू यू थिंक? ब्रेन, राइट। तो अब आज हम ब्रेन की बात करें, ब्रेन और माइंड का डिफरेंस पता होना चाहिए। कोई मुझे बता सकता है कि ब्रेन और माइंड में डिफरेंस क्या है? एक कंप्यूटर डेस्कटॉप की आप एग्जांपल ले लें, जैसे कंप्यूटर डेस्कटॉप है, कीबोर्ड, माउस, एवरीथिंग, वो हार्डवेयर है। उसके अंदर जो विंडोज़ इंस्टॉल की होती है, जो कि पूरे प्रोसेसेस रन करता है, वो सॉफ्टवेयर है। इसी तरह ब्रेन आपका हार्डवेयर है, और उसके अंदर जितने भी आपके प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, वो सारा आपका माइंड कराता है, सॉफ्टवेयर होता है आपका। तो अब थ्री डिफरेंट टाइप के, वैसे तो ब्रेन बहुत कॉम्प्लेक्स है, बट आप लोगों को सिंप्लीफाई करने के लिए, देयर आर थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रेन्स हमारे दिमाग में, राइट? एक होता है ह्यूमन ब्रेन, जो कि आपके फ्रंटल लोब से काम करता है। फ्रंटल लोब समझते हैं, जिसमें आपके सारे यहाँ पे होता है, माइंड इधर फोरहेड पे, राइट? और इसमें आपके सारे एग्जेक्टिव फंक्शनिंग होते हैं, डिसीजन मेकिंग स्किल्स होते हैं, आपके कॉग्निशंस, थॉट्स, ये सब कुछ होते हैं, लॉजिकल थिंकिंग, ये सारा कुछ होता है। फिर आपके होते हैं लिम्बिक सिस्टम, जो आपका इमोशंस, ये फियर, ये सब कुछ आपका ऑपरेट करता है। इसको हम कहते हैं चिम्प ब्रेन। और फिर एक होता है कंप्यूटर ब्रेन, जो कि आपके पैराइटल एरिया और बाकी सारे होते हैं, जो कि इंफॉर्मेशन रिसीव करके स्टोर करते हैं फॉर द चिम्प एंड द ह्यूमन ब्रेन टू प्रोसेस लेटर ऑन। ठीक है, तो किसी को कोई आइडिया है, पहले किसी ने सुना हुआ चिम्प ब्रेन क्या होता है? इसमें ज़रूरी नहीं कि नेगेटिव थॉट्स हैं, चिम्प ब्रेन आपका सर्वाइवल इंश्योर करता है, आपकी जीन्स को चलाता है। बेसिकली आप किसी इस तरह की सिचुएशन में फंस जाते हैं, तो आपका सर्वाइवल इंस्टिंक्ट किक इन करता है, बिकॉज ये आपके एंसेस्ट्रल जो आपके स्कीमाज वो सारे होते हैं, उससे चल रहा होता है चिम्प ब्रेन। ठीक है, और ये शुरू से होता है, और ये जल्दी डिवेलप होता है, और ह्यूमन ब्रेन थोड़ा बाद में डेवलप हो। एक हाँ, इस बारे में एक पैराडॉक्स है, इसलिए इसको चिम पैराडॉक्स कहते हैं, कि ये आपका बेस्ट फ्रेंड भी हो सकता है, और ये आपका वर्स्ट एनिमी भी हो सकता है। ये आपसे कुछ ऐसी चीज़ें भी करवाएगा जो आप बाद में लेटर ऑन रिग्रेट करेंगे। फॉर एग्जांपल इस तरह लेते हैं, आपने किसी फ्रेंड के साथ प्लान बनाया, मूवी का प्लान है, यू आर एट द सिनेमा, योर फ्रेंड इज़ लेट। ठीक है, अब आप देख रहे हैं, घड़ी देख रहे हैं, ही इज़ हाफ एन आवर लेट, मूवी स्टार्ट हो चुकी है। अब जैसे ही वो आपका फ्रेंड आता है, आपका इमीडिएट रिस्पॉन्स क्या होगा? गुस्सा। आप उसको क्या कहेंगे? ये आपका चिम्प ब्रेन करा रहा है। अब वो आगे से आपको लॉजिक प्रेजेंट करता है कि एक्सीडेंट हो गया था रास्ते में, ट्रैफिक जैम हो गई थी, इसी में आ नहीं सका, आई वाज हेल्पिंग समवन आउट। तब आपका क्या रिस्पांस होगा उसके बाद? नहीं, मूवी तो स्टार्ट हो चुकी है, आप तो जा नहीं सकते मूवी में। अब आपका रिस्पॉन्स आएगा रिग्रेट का, बट डैमेज तो आपने कर दिया ना, कि उसको तो आपने बुरा भला कह दिया, उससे आपने काफ़ी गुस्से से बात की, बट उसके बाद अब आप जब आपको पता चला, फैक्ट्स पता चले, जो कि आपका ह्यूमन ब्रेन अब प्रोसेस करेगा, तो अब आपको रिग्रेट होगा कि मैंने ये क्या कहा। उसको सिंपथाइज करेंगे उसके साथ, एग्जैक्टली। तो इसी तरह चिम्प ब्रेन और ह्यूमन ब्रेन की पूरा लाइक ऑल द टाइम एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है आपस में ना, इनकी एक किस्म की लड़ाई चल रही होती है, बिकॉज चिम्प बहुत इमेच्योर सब है और बच्चों की तरह एक्ट करता है। फैक्ट्स पे तो आपका ह्यूमन ब्रेन करता है, चिम्प ब्रेन को बताने पड़ते हैं फैक्ट्स, एग्जैक्टली। ये प्राइमरीली इमोशंस पे करता है, ये इमोशनल रिस्पॉन्स से काम करता है। बेसिकली वी आर बॉर्न विद द चिम्प ब्रेन। जब हम पैदा होते हैं तो हमारे दो ब्रेन इकट्ठे होते हैं हमारे साथ, एक ह्यूमन ब्रेन, एक चिम्प ब्रेन। चिम्प ब्रेन आपका ऑब्वियसली जल्दी डेवलप होता है, और वो आपके सारे जितने भी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स हैं उसमें काम करता है। ह्यूमन ब्रेन थोड़ा टाइम लेता है डेवलप होने में, बिकॉज आपकी लॉजिकल थिंकिंग और जो आपकी एग्जेक्टिव डिसीजन मेकिंग, वो सारा कुछ उसमें आता है। तो बेसिकली चिम्प ब्रेन आपका ह्यूमन ब्रेन से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, तो उसको टेम करना बहुत ज़रूरी है। और ये जो पूरा चिम्प मैनेजमेंट है, ऑल ऑफ दिस रिवॉल्व्स अराउंड मैनेजिंग योर चिम्प, एंड लाइक एक किस्म का आप कोई ऐसी चीज़ें ना करें जिससे आपको नुकसान पहुँचे या किसी दूसरों को नुकसान पहुँचे, ये उसके लिए पूरी मैनेजमेंट है। एक एग्जांपल टू एक्सप्लेन कि आपका ह्यूमन ब्रेन और चिम्प ब्रेन काम कैसे करता है, फिनियस गेज की एग्जांपल, किसी को कोई फेमिलियर है इस पर? फिनियस गेज, फिनियस गेज एक माइंड वर्कर था, ठीक है, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर किस कंट्री में, बट काफ़ी काम एंड कलेक्टेड बंदा था वो, और सबके साथ बड़े अच्छे से पेश आता था, आराम से बात करता था, रिस्पॉन्सिबल था। तो उन्होंने उसको एक माइनिंग टास्क दिया, उसने कोई ब्लास्ट करके अंदर से कोई ओर निकालना था, ओर समझते हैं कोई किस्म का, यानी कि जो होता है स्टोन या इस तरह कुछ निकालना था उसने। तो उसने वो लगाए सारे TNT वगैरह उसने लगाया एंड एवरीथिंग, सारा कुछ सोच समझ के, बट समथिंग मेल फंक्शनड एंड द माइंड बर्स्ट उससे पहले, या लाइक बिफोर ही कुड गेट आउट। तो एक रॉड जो था, इट वेंट थ्रू हिज
आई एंड इट टुक अ पार्ट ऑफ हिज फ्रंटल ब्रेन आउट, ठीक है, यहाँ से गई और यहाँ से निकल गई फ्रंटल ब्रेन उसका, यानी कि एक अच्छा खासा चंक मिसिंग था फ्रंटल ब्रेन का, फ्रंटल लोब का. उसके बाद खैर ही सर्वाइव मिराकुलसली, बट उसकी पर्सनैलिटी में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ गई उसके बाद. ही गॉट अग्रेसिव, ही गॉट इम्पल्सिव, किसी से बात नहीं करता था, और जब कोई बात करते थे उसको कुछ कहते थे वो वायलेंट हो जाता था, मार पीटता था. तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका चिम्प ब्रेन लाइक ओवर पावर होके ओवर ड्राइव में आ चुका था, बिकॉज आपका फ्रंटल लोब तो उस टाइम पे लाइक मिसिंग था, तो काम ही नहीं कर सकता था, वो लॉजिकली तो सोच ही नहीं सकता था. तो इसीलिए आपका वो चिम्प ब्रेन ने उससे ये सारे काम करवाए. अच्छा, ये जो आप लोग ड्रग्स करते हैं ना, ये भी आपके सारा चिम्प ब्रेन के ही पार्ट होता है, फंक्शन का. एक जो नॉर्मल ह्यूमन ब्रेन है वो कभी भी ये नहीं कहेगा कि आई वॉन्ट सम मूड ऑल्टरिंग सब्सटेंस. ये आपके जो चिम्प ब्रेन की नीड होती है ना, ये वांट होती है छोटे बच्चों की तरह. ये एक इट्स लाइक अ टू ईयर ओल्ड किड या एक छोटा डॉग जो होता है जिसको टेम करना पड़ता है, इट्स काइंड ऑफ लाइक दैट. और इसकी काफ़ी अजीबोगरीब सी वांट्स या नीड्स होती हैं. जैसे आप ड्रग्स करते हैं तो चिम्प ब्रेन तो आपका बल्कि ज़्यादा ओवर एक्टिव होगा. हाँ, जब आप ड्रग्स करते हैं तो आपका चिम्प ब्रेन ज़्यादा, इट टेक्स ओवर योर ह्यूमन ब्रेन. आपकी जो एबिलिटी टू थिंक लॉजिकली होती है ड्रग अंडर द इन्फ्लुएंस, इट्स लॉस्ट, राइट? बिकॉज आप इस तरह के काम कर रहे होते हैं जो कि एक नॉर्मल शायद ह्यूमन बींग जो हुज़ इन हिज राइट सेंसेस वुड नॉट डू. आप गाड़ी की स्पीडिंग कर रहे होते हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं, ओवरडोज हो जाते हैं, ये सारा आपके चिम्प ब्रेन के ओवर पावरिंग की वजह से होता है. इसीलिए इसको टेम करना बहुत ज़रूरी होता है. यहाँ पे हम इस पूरे प्रोग्राम में स्किल्स सीखेंगे ऑन हाउ टू लाइक टेम योर चिम्प एंड कीप इट अंडर कंट्रोल, बिकॉज इट्स समथिंग यू आर बोर्न विद ना. लाइक यू कांट जस्ट लाइक थ्रो इट अवे, यू कांट टेक इट आउट ऑफ योर ब्रेन एंड थ्रो इट अवे. इट्स देयर, यू हैव टू एक्सेप्ट इट एंड यू हैव टू टेम इट. उससे भी रिएक्शन करता है आपको अगर कोई पुरानी बात एकदम से याद आ गई है. अब जो आपका कंप्यूटर ब्रेन है, आपको जब कोई स्टिम्युलस आता है तो आपका कंप्यूटर ब्रेन सबसे पहले उसको डिकोड करता है, फिर इनकोड करता है आपके ब्रेन में, ठीक है. इनकोड करने के बाद सबसे पहले रिस्पांस जाता है चिम्प ब्रेन में. चिम्प ब्रेन एक रिस्पांस देगा, चिम्प ब्रेन के बाद फिर ह्यूमन ब्रेन रिस्पांस देता है. तो अगर आपका चिम्प बहुत ओवरली एक्टिव है या ओवर पावर कर रहा है तो आपका रिस्पांस विल बी चिम्प बेस्ड, ठीक है. लेकिन अगर आपका अच्छा बैलेंस है, यू हैव अ गुड कंट्रोल ओवर योर चिम्प ब्रेन, तो आपका ह्यूमन ब्रेन विल लेट योर चिम्प टॉक कि अच्छा दिस इज़ व्हाट आई फील, बट ह्यूमन ब्रेन फिर एक लॉजिकल वे के साथ वापस आएगा कि अच्छा नहीं, हमें इसको इस तरह से डील करना चाहिए. तो ये इंस्टेंट भी हो सकता है अगर आपका चिम्प ब्रेन इज़ नॉट टेम्ड, और ये आपकी पुरानी जो सारी हैं क्या कहते हैं मेमरीज उससे भी ट्रिगर हो सकता है ये चिम्प ब्रेन एक्टिव होता है. बिकॉज ह्यूमन ब्रेन तो पहले सारे कॉन्सिक्वेंसेस लिखेगा ना, कॉस्ट बेनिफिट्स करेगा. और जो भी है कि हम जो रिस्पॉन्सेज हैं, हम ये नहीं करते कि हम सारे रिस्पॉन्सेज एकदम से चिम्प ब्रेन पे पिन कर दें कि ओ अच्छा ये चिम्प ब्रेन ने किया था. यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. इससे आपको टेम करना है इसके साथ रीज़न करना है, सो दैट आपके जो हैं एक्सेप्टेबल और अच्छे रिस्पॉन्सेज हों, बिकॉज यू चूज हाउ टू रिस्पॉन्ड. यू आर इन एसेंस, इफ़ यू try to tame your chimp, like if you succeed in it, your human brain is stronger than your chimp brain and your chimp brain is not as strong as it